इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है किसी शहर में कार के किराए का भाड़ा एक नियत भाड़ा एवं तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर करता है। एक किसी शहर में कार का जो किराया है वो एक नियत भाड़ा और तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर करता है। 13 किलोमीटर यात्रा के लिए 13 किलोमीटर यात्रा के लिए 96 रुपये देना होता है और 18 किलोमीटर यात्रा के लिए 131 रुपये देना होता है। किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, कितना भाड़ा देना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। हम मान लिए कि हमारा जो फिक्स है वो 100 रुपया है और प्रति किलोमीटर चलने के बाद यदि 5 किलोमीटर के लिए 6 किलोमीटर का जितना दूरी तय करते हैं उसके हिसाब से, तो उसको हम मान लिए y रुपया। अब प्रश्न से कहता है एक नियत भाड़ा एवं तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर करता है। तो 13 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 96 रुपये देना होता है। 13 किलोमीटर यात्रा करने के लिए ये जो नियत भाड़ा हमारा, ये तो फिक्स नियत है और 13 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 13 किलोमीटर के लिए 13y हो जाएगा और हमें पैसा देना हुआ 96 रुपये। इसे हम मान लेते हैं समीकरण एक। पुनः फिर आगे कहता है 18 किलोमीटर के लिए 131 रुपये देना होता है। तो ये तो हमारा नियत भाड़ा है और 18 किलोमीटर के लिए, तो 18y बराबर में 131, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण दो। इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारा x वाला जो पद है वो बराबर है, तो इसीलिए हम समीकरण एक माइनस दो से हम समीकरण एक में से दो को घटा रहे हैं। ये x जोड़ 13y बराबर 96 और x जोड़ 18y बराबर 131। प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस तो माइनस, हम चिन्ह को बदल दिए हैं। अब ये प्लस x और माइनस x कट जाएगा, प्लस 13y और माइनस 18y, तो माइनस में 5y हो जाएगा बराबर। ये प्लस में 96 और माइनस में 131, तो 11 से 6 गया 5, बच जाएगा 2, 12 से 9 गया 3 माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 35/5, ये 5 × 7 = 35, y का मान हमें आ गया 7। अब इस y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है x जोड़ 13y बराबर 96, x जोड़ 13 गुना y का जो मान है वो 7 है, तो यहाँ रखेंगे 7 बराबर 96। अब x जोड़ 13 × 7 = 91 बराबर 96 हो जाएगा, तो x बराबर 96। अब ये प्लस में है, जब इसको RHS लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 96 से 91 घटा लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, अर्थात x बराबर हमें मिल गया 5 और y बराबर हमें यहाँ मिल गया है 7। लेकिन अब क्वेश्चन में कहता है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, तो एक जो हमारा फिक्स है, जो नियत है वो है हमारा x, और अतिरिक्त हमें जाना है कितना, 25 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 25y, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए y, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y। अब x का जो मान है वो 5 है, जोड़ 25y, 25 गुना y का जो मान है वो 7 है, तो 5 × 25 = 7, 7 × 35 के 5 हासिल 3, 7 × 2 = 14 और 3 = 17, 175 = 180 रुपया, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।